हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 23 अगस्त 2019 की प्रीलिम्स अलर्ट सीरीज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की हमारी न्यूज़। पहली जो न्यूज़ आई है वो आई है यहाँ पे बावर 373 के बारे में। तो क्या है ये, देखते हैं। देखो, ईरान ने अभी एक अपनी खुद की, मतलब स्वदेशी है वो, एक एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम है बावर 373। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इम्पोर्टेंट क्यों है ये, देखो। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ईरान का मामला है ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है। मतलब फेमस का मतलब काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी लेकर इसको क्रिएट हुई है। आपने हमने पहले ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में भी काफ़ी बार डिस्कस किया है, जो कि आपको पता है कि ट्रंप ने इस बार कैंसिल है वो कर दी थी। तो इस वजह से ईरान और यूएसए के बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस पैदा हो गए थे। और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ईरान की इंपॉर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो एक्चुअली यूएसए ने अभी ईरान के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शन हैं वो लगा रखे थे। खैर, वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज ने सपोर्ट नहीं किया यूएसए को कि भाई आप जो सेंक्शन लगा रहे हो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि ईरान ने अभी अपना खुद का जो होम ग्राउंड एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम डो यहाँ पे रखा है बावर 373, जो कि एक सरफेस टू एयर मिसाइल है और 200 किलोमीटर तक इसकी रेंज रखी गई है और यह एक लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो ये आपको कुछ फैक्ट यहाँ पे ध्यान में रखनी है। जैसा कि ईरान न्यूक्लियर डील है वो आपको पता होगा, ईरान और इसी के साथ P5+1 कंट्रीज, वन कौन सी थी यहाँ पे, जर्मनी। तो ये आपको ध्यान में रखना कि P5+1 जो कंट्रीज हैं इनके बीच में ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी और यूएसए इस डील से पीछे हट चुका है। तो बाकी और कंट्रीज हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट है यहाँ पे कर रही हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है यहाँ पे वो है आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन AWHO। कंटेक्स्ट क्या है पहले वो देखते हैं। नहीं, हाँ कंटेक्स्ट देख लेते हैं पहले। कंटेक्स्ट वैसे ये आया है कि अभी रिसेंटली टाटा रियल्टी हाउसिंग, टाटा की एक हाउसिंग कंपनी है वो, और इसी के साथ इंडियन आर्मी है, इन दोनों के बीच में एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो साइन किया गया है। होगा क्या इसमें वो हम देखते हैं। तो इससे पहले थोड़ा हम जो बैकग्राउंड के साथ इस चीज़ को देखते हैं कि भाई ये इंडियन आर्मी है ये क्या कर रही है। देखो, इंडियन आर्मी की एक संस्था है, एक मतलब बोल सकते हो एक, मतलब एक तरीके से एक डिपार्टमेंट है अलग से, जिसका नाम है आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन AWHO। और यह है ना जो AWHO, ये बेसिकली सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर किया गया एक सोसाइटी है जो कि बनाई गई थी 1978 में। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सोसाइटी है ना, ये बेसिकली ये काम करती है कि आर्मी में जो भी पर्सनल हैं जो रिटायर हो गए हैं या फिर जो भी जवान शहीद होते हैं, तो उनकी जो मतलब पत्नी है या फिर उनके जो बाकी घर वाले हैं उनको घर प्रोवाइड करवाया जा सके, इसके लिए बेसिकली ये आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। और ये नो प्रॉफिट नो लॉस के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी जो कंटेक्स्ट हमने डिस्कस किया था उससे क्या फ़ायदा होगा वो हम देखते हैं। देखो, जो ये AWHO थी ना, आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली इसने भी टाइप किया है इंडियन आर्मी की हेल्प से टाटा रियल्टी हाउसिंग के साथ। यानी कि जो घर वगैरह बनाने का काम है वो टाटा रियल्टी हाउसिंग करेगी और इसकी हेल्प से जो आर्मी के 100 जवान हैं उनको घर दिए जाएंगे और इसमें 11 से लगभग 27% तक उनको डिस्काउंट दिया जाएगा। ये यहाँ पे एक नया फीचर ऐड किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन है क्या और अभी MOU है वो क्या साइन हुआ है और ये जो फैक्ट है वो सबने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट एक छोटी सी न्यूज आ रही है प्लास्टिक फ्री रेलवे के बारे में। देखो, अभी जो रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि भाई 2 अक्टूबर से रेलवे स्टेशन है वहां पे सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक, इवन रेलवे स्टेशन ही नहीं, ट्रेन प्लस रेलवे स्टेशन दोनों को काउंट यहाँ पे किया गया है। यानी कि रेलवे स्टेशन और ट्रेन दोनों पे जो सिंगल यूज वाला प्लास्टिक है इसको बैन किया जाएगा। सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक का मतलब यह है कि वो प्लास्टिक के डिस्पोजल आइटम जिनको हम एक बार यूज करते हैं फिर फेंक देते हैं। अब देखो, आपके दिमाग में होगा कि भाई अगर ऐसा होगा तो फिर पानी की बोतल क्या होगा, क्योंकि पानी की बोतल तो सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक में ही आती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम को इम्प्लीमेंट यहाँ पे किया है, इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया है। क्या है यह एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखो, अभी आपको बताया कुछ टाइम पहले जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल आए थे और उसमें गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव ये उठाया था प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए कि भाई जो भी प्रोड्यूसर प्लास्टिक उत्पन्न करेगा ना, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि चिप्स बनाने वाली कंपनी है लेज,
तो लेज अगर मार्केट में लेज बेच रही है तो जो प्लास्टिक कचरा बन रहा है, मतलब लेज खाने के बाद जो भी कस्टमर है उस कचरे को फेंकेगा, तो वो कचरे कलेक्ट करने की जिम्मेदारी लेज कंपनी की ही होगी। यानी कि जो कचरा जिस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है उसी की जिम्मेदारी है कि वो उसको डिस्पोज है वो करें। तो इसमें होगा क्या इस स्कीम में कि रेलवे स्टेशन पे जगह जगह पे मशीन लगाई जाएंगी, मतलब एक तरीके से मशीन जो प्लास्टिक वेस्ट को डिस्पोज करेंगी। इसमें क्या होगा कि पानी की बोतल को जो खाली हो जाएगी उसको क्रैश कर दिया जाएगा। तो ये एक प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है। यानी कि जो प्रोड्यूसर है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है प्लास्टिक को, उसी की जिम्मेदारी है कि वो उसको कलेक्ट करे और वहीं पर डिस्पोज किया जा सके। तो ये आपको ध्यान रखना है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या प्रोग्राम है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है सबका विश्वास लीगेसी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम 2019। देखो जो 2019 का बजट जब पेश किया गया था तो उस दौरान ये इस बजट में ये स्कीम इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी, इसकी घोषणा की गई थी। और अब ये जो स्कीम है ना ये 1 सितंबर से लेके और आगे आने वाले 4 महीनों तक इंप्लीमेंट की जाएगी। यानी 1 सितंबर से अप्लाई होगी और फिर 4 महीनों तक ये स्कीम है वो चलने वाली है। यानी कि सितंबर पूरा चलेगी, अक्टूबर चलेगी, नवंबर चलेगी और दिसंबर, यानी कि 31 दिसंबर तक यह स्कीम है वो चलने वाली है। होगा क्या इस स्कीम में? देखो गवर्नमेंट है ना, आपको थोड़ा सा बता दूं बैकग्राउंड। गवर्नमेंट के लगभग 3.75 लाख करोड़ रुपीज है ना वो ब्लॉक पड़े हैं। किस लिए? एक्साइज और जो सर्विस टैक्स लिटिगेशन के केस चल रहे हैं। यानी कि गवर्नमेंट के काफ़ी सारे केस पेंडिंग हो रहे हैं गवर्नमेंट और जो कंपनीज हैं इनके बीच में, और इसके चक्कर में गवर्नमेंट के 3.75 लाख करोड़ रुपीज पेंडिंग है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि भाई ये सारे पैसे आए या नहीं है, पर जो भी आ रहा है इनको सारे को क्लियर जैसे जैसे क्लियर किया जाए। यानी 3.75 में से एटलीस्ट 2 लाख आ जाए, 3 लाख करोड़ जितने भी हैं वो उनको कलेक्ट किया जाए। और इसके लिए स्कीम लाई जा रही है। इसमें होगा क्या, जो भी प्री जीएसटी डिस्प्यूट यानी कि जीएसटी आने से पहले जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, जीएसटी आने के बाद भी काफ़ी सारे डिस्प्यूट रहे हैं इसके टैक्स अथॉरिटी के साथ। जैसे कि मान लो कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और मेरे को कुछ डिस्प्यूट रहा है या मेरा कुछ विवाद चल रहा है टैक्स अथॉरिटी के साथ, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर मैं मेरा इन 4 महीनों में सेटलमेंट करता हूँ तो मेरे को 70% तक ड्यूटी रिलीफ मिलेगी। अब देखो वैसे तो इसके साथ थोड़ी अलग से कंडीशन ये भी रखी गई है कि अगर आपका जो मामला है वो 50 लाख तक का है तब तो आपको 70% ड्यूटी रिलीफ मिलेगी, और अगर आपका मामला 50 लाख से ऊपर के अमाउंट का है तब आपको 50% ही ड्यूटी रिलीफ है वो मिलने वाली है। तो ये सब खैर अंदर का इतना डीपली यूपीएससी नहीं पूछेगी, कोई यहाँ पे पीएचडी नहीं करनी है, बट एक बार थोड़ा ध्यान रखना कि 70% तक ड्यूटी रिलीफ है वो दी जाएगी। इसी के साथ ही जो पेंडिंग टैक्स हैं अगर उनको कोई भी अपने वापस मतलब कि किसी भी पर्सन के कोई टैक्स पेंडिंग है वो जल्दी से जल्दी पे कर देता है तो उसके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, और अगर उसका कोई भी डिस्प्यूट वगैरह है तो कोई फाइन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट क्या चाह रही है, गवर्नमेंट ये चाह रही है कि भाई जल्द से जल्द जो जीएसटी से जो विवाद से जो भी एक तरीके से के टैक्स है वो पेंडिंग पड़ा है उसको कलेक्ट किया जाए जैसे तैसे। कि कहते हैं ना कि 100 रुपये गवर्नमेंट का टैक्स है, तो जैसे गवर्नमेंट ये चाह रही है कि भाई 100 नहीं तो हमें 60-70 रुपये जो भी मिल रहे हैं उनको कलेक्ट करो और फिर आगे उनका यूज किया जा सके। इसका देखो बेनिफिट ये होगा कि जो स्मॉल टैक्स पेयर है ना उनके केस खत्म हो जाएंगे और उनकी जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अदरवाइज उन पे फाइन लग रहा है तो उनको काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ रहा था। तो अगर आपको एक बार मैं शॉर्ट वर्ड में फर्स्ट से रिपीट करूँ तो इसका मतलब ये है, सबका विश्वास स्कीम का मोटो यहाँ पे रखा गया है कि जो भी जीएसटी डिस्प्यूट हैं प्री जीएसटी डिस्प्यूट हैं उनको टैक्स अथॉरिटी के साथ उनको कंप्लीट किया जाए, और इसी के साथ ही किसी ने भी अगर कोई टैक्स वगैरह पे नहीं किया हो उसका कुछ इश्यू चल रहा हो तो उस पर कोई फाइन है कोई भी एक्शन वगैरह नहीं लिया जाएगा, बस उसे अपना टैक्स पे करना है और काम खत्म। इसके लिए ये स्कीम है वो स्टार्ट की गई है 4 महीनों के लिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है साउथ साउथ एंड ट्रायंगुलर कॉरपोरेशन के लिए। कंटेक्स्ट ये है कि अभी रिसेंटली साउथ साउथ एंड ट्रायंगुलर कॉरपोरेशन की इंडिया में सबमिट है वो आयोजित किया गया था न्यू दिल्ली में। है क्या वो देखते हैं साउथ साउथ कॉरपोरेशन। देखो आपको पता होगा कि जो भी कॉन्टिनेंट है इवन सारे कॉन्टिनेंट को आप ले लो उनके जो साउथ वाले हिस्से हैं मतलब साउथ वाला जो पार्ट है वो काफ़ी बैकवर्ड या बोल सकते हैं कि डेवलपिंग स्टेज में है। आप किसी भी कॉन्टिनेंट में ले सकते हो, बस ऑस्ट्रेलिया को एक बार आप साइड में करके मोटा मोटा देखो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। साउथ साउथ का मतलब जो कंट्रीज साउथ में, ऐसे आप याद रख सकते हो कि साउथ वाली कंट्रीज है ना उसके आपस में कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए यह एक प्रोग्राम है वो चलाया जा रहा है। अब इसमें पॉलिटिकल
इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल, इन्वायरमेंटल और जो टेक्नोलॉजिकल हो कोलेब्रेशन है इसको प्रमोट किया जाएगा। देखो क्या होता है कि डेवलपिंग कंट्री होती है ना, ये हर एरिया में दक्ष नहीं होती, किसी न किसी कंट्री के पास कोई ना कोई एरिया में स्पेशलिटी होती है। जैसे मान लो कि इंडिया के पास ह्यूमन रिसोर्स है काफ़ी अच्छा है, चाइना के पास है टेक्नोलॉजी ठीक ठाक है, इस एग्जाम्पल ले रहे हैं। हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। अगर ये कंट्री आपस में मिलकर काम करें, जैसे कि इंडिया के पास ह्यूमन रिसोर्स है, किसी कंट्री के पास ह्यूमन रिसोर्स अच्छा नहीं है, इस टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छी है, तो अगर आपस में इंडिया उस कंट्री के साथ कोलेब्रेशन करेगा तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट भी हमें अचीव करने हैं, तो इससे नॉलेज का शेयर भी होगा, स्किल भी बढ़ेगी, एक जो एक्सपर्टीज है वो भी आएगी, और नए रिसोर्सेज हैं उनका भी सामने, मतलब नए रिसोर्सेज को भी यहाँ पे यूज है वो किया जाएगा। अब इसके लिए डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, या तो कंट्रीज़ हैं वो आपस में एक तरीके से बायलेटरल रिलेशन कर लें, मतलब दो कंट्रीज़ आपस में मिलकर काम करें, या फिर रीजनल ग्रुप बना लें, जैसे कि सार्क एक रीजनल ग्रुप है, इसी के साथ बीमस्टेक है, तो इस तरीके के छोटे छोटे रीजनल ग्रुप्स हो सकते हैं, इंट्रा रीजनल ग्रुप्स हो सकते हैं, इंटर रीजनल ग्रुप हो सकते हैं, यानी कि आपस में जो जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो जो टैलेंट है आपके पास, उसका यूज़ करके मामला सेट है वो किया जा सके। इसके लिए इस पर फोकस है वो किया जाएगा, ताकि जो भी डेवलपमेंट गोल हैं इनको अचीव कर सकें कंट्रीज़। अब एक वर्ड हो रहा है यहाँ पे, ट्रायंगुलर कोऑपरेशन। देखो ट्रायंगुलर कोऑपरेशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो ये एक कंट्री है, एग्जांपल लो यूएसए, सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं। अब यूएस कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज या लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी हेल्प करती हैं। जैसे यूएसए है वो काफ़ी सारी कंट्रीज को फंडिंग देता है, यूएसए मान लो कि 3-4 कंट्री को फंडिंग दे रहा है ऐसे ऐसे। अब एक ट्रायंगल सा बन गया ना, इसको बोलते हैं ट्रायंगल कोऑपरेशन, यानी कि एक कंट्री है वो बाकी नीचे की कंट्रियों की हेल्प है वो कर रही है, फंड वगैरह देके, स्किल टैलेंट वगैरह प्रोवाइड करवा के, तो ये होता है ट्रायंगुलर कोऑपरेशन। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ओशियन एनर्जी है, उसको अभी रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया है। किसके द्वारा? इंडिया का जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है उसका यह इनिशिएटिव उठाया गया है। देखो हमने कल भी डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि 2022 तक हम 175 गीगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के थ्रू डेवलप करेंगे, और इसीलिए गवर्नमेंट काफ़ी सारी फोकस कर रही है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर किया है कि भाई समुद्र से जो भी एनर्जी, यानी कि ओशन से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी वो रिन्यूएबल एनर्जी होगी। अब देखो समुद्र से दो तरह की एनर्जी होती है। एक चीज़ आपको देखो पता होगा कि समुद्र है वो ऑल ओवर अर्थ का लगभग 70% हिस्सा कंज्यूम कर, मतलब 70% हिस्से को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी कि हमारी अर्थ पे जितनी भी सनलाइट आती है उसमें से 70% सनलाइट तो डायरेक्टली ओशियन के द्वारा या ओशियन के ऊपर आके गिरती है। तो इसका मतलब ओशियन है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर कलेक्टर के तौर पर काम करती हैं, यानी कि सोलर जो एनर्जी है इसको कलेक्ट कर लेती हैं। ओशियन से दो एनर्जी प्रोड्यूस होती हैं, एक तो होती है थर्मल एनर्जी जो कि सन से प्रोड्यूस होती है। अभी हमने देखा ना कि ओशियन वर्ल्ड का 70% हिस्से को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस 70% हिस्से पे सनलाइट गिरेगी तो यहाँ पे थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एक होती है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है जब समुद्र में या जो भी मतलब लहर आती हैं, ज्वार भाटे, टाइड्स आते हैं, इनसे जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो ये आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब ओशन एनर्जी का मतलब क्या हो गया? थर्मल एनर्जी भी प्रोड्यूस की जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस की जाएगी, वेव से ओशन थर्मल एनर्जी हुई, इस तरीके से एनर्जी है वो प्रोड्यूस की जाएगी। एक एनर्जी और होगी जिसका आपने नाम खैर नहीं सुना होगा, ये मैंने यहाँ आर्टिकल में पढ़ा था, वो थी ओस्मोटिक एनर्जी। देखो आपने कहीं ना कहीं ये रिवर्स ओस्मोस प्रोसीजर सुनी होगी, जो कि यूज होती है जो आरओ होते हैं ना, इनमें वाटर प्योरीफायर होते हैं, इनमें रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसीजर होती है। इसमें क्या होता है, एक साइड तो खारा पानी होता है और एक साइड होता है मीठा पानी, और बीच में मेम्ब्रेन होती है। अभी मेम्ब्रेन क्या करती है कि जो खारा पानी है इससे मीठा पानी है जो लवण है इनको इधर एक साइड कर देती है और मीठे पानी की तरफ इसको बहा देती है, यानी पानी साफ होता रहता है। सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे होती है ऑस्मोटिक एनर्जी में, कि जो सॉल्ट वाटर रिजर्वर है ना और फ्रेश वाटर रिजर्वर्स हैं इनके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, और उसके मूवमेंट से पानी का जो मूवमेंट होता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, जिसे ऑस्मोटिक एनर्जी के नाम से जाना जाता है। लास्ट जो आज का आर्टिकल है वो आया है FATF। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। देखो लास्ट ईयर जो FATF है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। क्यों? टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज की वजह से।
तो पहले तो थोड़ा हम FATF के बारे में देखते हैं। तो FATF है ना, इसको 1989 में बनाया गया था। 1989 में जब G7 कंट्रीज का समिट हुआ था ना, उस दौरान इसका निर्माण किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो OECD का हेडक्वार्टर है ना, वहीं पे FATF का सेक्रेटेरिएट है, वो कहाँ पे है, पेरिस में है। तो ये दो चार फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। OECD का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में, और उसी हेडक्वार्टर में FATF का सेक्रेटेरिएट है। तो ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। बेसिकली जो FATF है ना, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के इश्यूज होते हैं ना, इनके ऊपर फोकस करती है। मतलब कि कौन सी कंट्री टेरर फंडिंग को लेके कैसे स्टेप उठा रही है, क्या काम कर रही है, और ये दो तरह की लिस्ट को मैनेज करती है। एक तो होती है ब्लैक लिस्ट और एक होती है ग्रे लिस्ट। आप ऐसे समझ सकते हो कि ग्रे लिस्ट में रिस्ट्रिक्शन थोड़ी कम होती हैं, और अगर ब्लैक लिस्ट में किसी कंट्री को डाल दिया जाता है तो उस पर काफ़ी सारे सेंक्शन लग जाते हैं, उसकी फंडिंग वगैरह वो कम्प्लीटली रोक दी जाती है। मतलब उस कंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। तो पाकिस्तान को लास्ट ईयर ग्रे लिस्ट में डाला गया था, और इस बार अक्टूबर में वापस से इसकी मीटिंग होने वाली है, और उसमें पाकिस्तान को वापस विचार किया जाएगा कि पाकिस्तान ने कैसा काम किया है। अगर सही काम नहीं किया तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। अब बात यह कि जो FATF है ना, ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करती है। इसी का एक रीजनल पार्ट है जिसका नाम है एशिया पैसिफिक ग्रुप, यानी कि एशिया पैसिफिक वाले हिस्से में ग्रुप है एशिया पैसिफिक ग्रुप नाम से। ये जो ग्रुप है ना, इसमें एशिया और पैसिफिक की जो कंट्रीज है ना, वो मेंबर हैं, और इसका काम सेम ही है जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का है। यानी कि एशिया पैसिफिक ग्रुप है वो एशिया पैसिफिक वाले एरिया में कोई भी कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को लेकर काम करती है तो उस पर कार्रवाई करती है। तो अभी रिसेंटली एशिया पैसिफिक ग्रुप की मीटिंग हुई थी आज, और उसमें पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया था, डाल दिया गया है। नहीं तो इस चीज़ को लेके न्यूज़ है वो आई है। वैसे ब्लैक लिस्ट में अभी तक दो कंट्रीज हैं, ईरान और जो नॉर्थ कोरिया है, इन दोनों को ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। इन पे काफ़ी सारे सेंक्शंस भी लगाए जा चुके हैं। और अभी आपको पता होगा कि G7 का जो 45 सबमिट था वो कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में, जहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री ने विजिट है वो की है। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।